नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने दिए आजादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिवस से देश के युवाओं को अवगत करवाने व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करने हेतु हरियाणा के अम्बाला कैंट में आजादी की पहली लड़ाई का भव्य स्मारक बनने जा रहा है, जो अपने आप में अनूठा होगा। पारंपरिक कला के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल वॉक थ्रू तथा इंटरएक्टिव स्क्रीन इस स्मारक को और शानदार बनाएंगे। इस संबंध में आज यहां हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और इस परियोजना में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मारक में प्रदर्शित की जाने वाली कथाओं व जानकारियों के लिए ऐतिहासिकारों की एक कमेटी बनाने की भी निर्देश दिए। हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को बैठक में आर्किटेक्ट ने परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मारक में आजादी की पहली लड़ाई की विभिन्न घटनाओं को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म, डिजिटल वॉक थ्रू, 5D ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। स्मारक को भव्य बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों व आजादी की लड़ाई की पेंटिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्मारक में आजादी से पहले और बाद का नक्शा व दृश्य भी तैयार किए जाएंगे, जिससे सभी देश की संपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके। हरियाणा की योद्धाओं की अलग से गैलरी बनाई जाएगी। इस स्मारक में 210 फुट ऊंचाई के विशाल और आकर्षक मेमोरियल टावर के साथ साथ 20 फुट ऊंची दीवार बनाई जाएगी, जिन पर आजादी की लड़ाई के योद्धाओं का उल्लेख किया जाएगा। इस स्मारक में विकसित किए जाने वाले 6 लॉन में स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख होगा तथा अम्बाला में इतिहास और 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के योगदान पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग भवन तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, ऑडिटोरियम, म्यूजियम व मेमोरियल टावर शामिल हैं। ओपन एयर थिएटर में हॉल, फूड कोर्ट, एग्जीबिशन के साथ साथ म्यूजियम बिल्डिंग में आधुनिक लिफ्ट की व्यवस्था के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। ऑडिटोरियम में स्थित ओपन थिएटर में लोगों के बैठने की व्यवस्था, 20 अलग अलग प्रकार के फवारे, वाटर फाउंटेन के साथ साथ 2 प्लेटफॉर्म व अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी। कार पार्किंग और हेलीपैड की भी सुविधा होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।